हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शुचिश रनर बहार। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं लेकर के आई हूँ फिर से एक मकर संक्रांति स्पेशल डिश, वो है स्टीम पूली, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं भापा पीठा। जी हाँ, तो जो मैं पूरा का जो पीठा मैं स्टीम से बनाने वाली हूँ, तो फिर वीडियो को देखती रहिएगा फर्स्ट से लेकर एंड तक का। और अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जितना भी सारा मैं वीडियोस अपलोड करूँ सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाए। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि हम स्टीम पूली कैसे बनाते हैं या फिर भापा पीठा कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, नारियल को जो है ये मैं देखिए इसको मैं मिक्सी में बहुत अच्छे से इसको मैं कद्दूकस कर ली हूँ। और अब मैं क्या करूँगी, इसमें जो गुड़ है गुड़ को मैं इसमें गुड़ को डाल देती हूँ। गुड़ को डाल के इसमें अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी नारियल के साथ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, इसको मैं बहुत अच्छे से जो है मैं इसको मिक्स कर ली हूँ गुड़ को नारियल के साथ। अब मैं इसको थोड़ा सा पका लेती हूँ। इसको मैं थोड़ा सा अभी पका लूँगी। मैंने इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया है, जो भी मैं सिर्फ गुड़ जो मिक्स की थी बस वही है। और अभी इसको मैं अच्छे से पका लेती हूँ, ताकि जो नारियल थोड़ा सा जो नारियल का चिपचिपाहट है वो थोड़ा सा हो जाए। बस मैं उसको अभी नहीं पकाऊंगी ज़्यादा, ये हो गई है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इसका जो चिपचिपापन है वो आ गई है। और ज़्यादा मैं नहीं करूँगी, नहीं तो फिर वो ड्राई हो जाएगी। तो चलिए अब जो है मैं जो बॉईल किया हुआ पीठा है उसके लिए मैं जो पीठा है वो बनाना शुरू करती हूँ। ये चावल की जो लोई है, ये देखिए ये वाला जो है चावल का जो आटा है, इसको मैं आपको दिखाई थी मेरा पिछला वीडियो में कि कैसे इसको गूंथा जाता है। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इसी से मैं ऐसे करके छोटे छोटे जो लोइयां हैं वो मैं छोटे छोटे करके सबसे पहले इसको मैं बना ले रही हूँ। देखिए सारी लोइयां बनाना जो है मेरा कंप्लीट हो गई है। चलिए तो अब हम इसको शेप देना शुरू करते हैं। तो इस तरह से मैं इसको एक शेप दे दूंगी। देखिए अब इसके बीच में जो हम नारियल का जो बनाए थे ये स्टफिंग, ये कोकोनट का स्टफिंग मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसको हमें इसके जो मुंह है इसको हम अच्छे से बंद कर देंगे। इस तरह से और इस तरह से इस तरह से आप इसको जैसा मनपसंद का शेप में या साइज में आप बना सकते हो। मैं बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर रही हूँ, मीडियम साइज में। और देखिएगा कि ताकि ये पोर्शन जो है ना वो फट ना जाए। अब इसको मैं इस तरह से ये फिंगर के थ्रू मैं इस तरह से इसको डिज़ाइन दे देती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत से ये बन गया है। तो इसी तरह से जो है मैं सारे जितनी भी सारे लोइयाँ हैं उसका मैं इस तरह से मैं शेप बना लेती हूँ। मैं आप लोग को और एक करके दिखा देती हूँ। कोकोनट का स्टफिंग मैं दे दी, ज़्यादा नहीं दूंगी तो फिर फट जाएगी बीच से। को कवर कर देती हूँ अच्छे से। ये देखिए अब इसको हम इस तरह से जो है फोल्ड कर देंगे। तो
ये मेरा बन गया। तो चलिए सारा बना लेती हूँ। तो देखिए मेरा सारा जो है पीठा वो बनाना कंप्लीट हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, एक स्टीमर ली हूँ, ये मेरा मोमो स्टीनर है, इसी में सारा बनाऊँगी। तो ये स्टीमर में इस तरह से जितने भी सारे मेरे पीठा हैं इसको मैं इसमें रख देती हूँ। ये देखिए सारा मैं रख दी। और इधर मैं क्या की हूँ, एक उसका जो और एक पार्ट है निचले हिस्से में, पानी को मैं यहाँ पे बॉइल करने के लिए दी हूँ। पानी से जो है वो भाप आने लग गई है। अब मैं क्या करूँगी, वो जो स्टीमर है इसके ऊपर रख दूँगी इस तरह से, और इसको मैं ढक दूँगी। और ये हार्डली 15 मिनट्स में ही आराम से ये पक जाएगी। तो चलिए फिर आप क्या आती है 15 मिनट के बाद। हो गई है 15 मिनट। ये देखिए जो हमारा स्टीम का जो पीठा है, भापा पीठा जिसको हम बोलते हैं, वो एकदम रेडी हो गई है। अब इसको मैं सर्व करूँगी। तो आपको अगर मेरी ये भापा पीठा की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर से एक नया मकर संक्रांति स्पेशल डिश लेकर के बहुत जल्द वापस आऊँगी। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।